हाय गाइस, आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे तवा पुलाव, जो एक स्ट्रीट फूड है। आप जो स्ट्रीट पे पाव भाजी खाते हैं, उस टाइम तवा पे जो पाव भाजी बच जाती है उसे यूज़ करके जो पुलाव बनाया जाता है, दैट इज़ तवा पुलाव। ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंग्रेडिएंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तवा पुलाव का सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है बटर, सो इसमें जाएगा अब बटर। ऑयल हमने यहाँ पे इसीलिए डाला है ताकि हमारा जो बटर है वो जले नहीं। बटर के गर्म होते ही अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा। जीरा के भुनते ही हम इसमें डालेंगे स्लाइस्ड ऑनियंस। ऑनियंस को हम तब तक सौते करेंगे जब तक कि वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच ग्रेटेड अदरक का टुकड़ा और 2 ग्रीन चिलीज बीच में से स्लिट की हुई। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि प्याज जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक पेस्ट। चिली गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए जो ड्राइड रेड चिलीज होती हैं उन्हें सीडलेस करके आप वार्म वाटर में ओवरनाइट सोक कर दीजिए, एंड पेस्ट बनाते समय आप उसमें थोड़े से गार्लिक क्लोव्स ऐड करके उसका एक अच्छा फाइन पेस्ट बना लीजिए। आधा मिनट के लिए भुनने के बाद अब आप इसमें हर वो वेजीज डाल सकते हैं जो आप पाव भाजी में डालते हैं। मैं यहाँ पे कैबेज, कैप्सिकम, टमाटो एंड ग्रीन पीस ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनका टमी फिल करने के लिए आप इसमें बॉइल्ड पोटैटो ज़रूर ऐड कीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए हम हमारी सब्जियों को अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि टमेटोज भी हमारे अच्छे से गल जाएँ। गैस का फ्लेम लो करके अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं। तो इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच चिली पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला हमारे इस पुलाव का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। मिला दें अच्छे से। वेजीज को और अच्छे से कुक करने के लिए अब हम इसमें नमक डाल देंगे। सब्जियों के पकते ही अब हम इसमें पहले से कुक्ड राइस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप बासमती राइस को कुक करके ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस और थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर। सो गाइस, तवा पुलाव हमारा रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। सर्व करने से पहले अगर आप इसमें थोड़ा और बटर ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, उससे इसका टेस्ट जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर।